हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ क्लास फर्स्ट की ईवीएस बुक से उनका चैप्टर फूड वी ईट के सारे क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे वर्कशीट की हेल्प से शेयर कर रही हूँ। आप इस वर्कशीट को सॉल्व कराने से पहले आप किड्स को इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, फूड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को उनको एक्सप्लेन कीजिए। इससे उनको काफ़ी हेल्प होगी सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने में। फूड वी ईट की मीनिंग क्या है, जो फूड हम खाते हैं उनके इम्पोर्टेंस को, उनके बारे में आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। यहाँ पे फिलअप्स करने हैं, जो ऑप्शंस करेक्ट हैं उनको यहाँ पे फिल करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश हेल्प अस टू लिव एंड ग्रो, वॉटर आर फूड। आंसर इज फूड। नेक्स्ट वी गेट डैश फ्रॉम हनी बीज। हनी बीज से हमें क्या मिलता है, मिल्क आर हनी। राइट हियर हनी। नेक्स्ट मिल्क मेक्स आवर डैश एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क से हमारे टीथ और क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेयर्स या बोन्स। राइट हियर बोन्स। इन द आफ्टरनून वी हैव डैश। आफ्टरनून में हम क्या करते हैं, लंच और डिनर। लंच LUNCH लंच। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड डैश। हमें फूड किससे किससे मिलता है, प्लांट से और टॉयज या एनिमल्स। राइट हियर एनिमल्स। नेक्स्ट इज राइट टिक फॉर ट्रू, क्रॉस फॉर फॉल्स। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, आपको यहाँ ट्रू फॉल्स करना है। वी ईट 5 meals अ डे। क्या हम दिन भर में 5 meals लेते हैं, नो। क्रॉस मिल्क इज कंप्लीट फूड, येस दिस इज ट्रू। वी शुड ईट क्विकली एंड नॉट च्यू फूड प्रॉपरली। क्या हमें जल्दी जल्दी खाना खाना चाहिए, चबा कर नहीं खाना चाहिए, नो दिस इज फॉल्स। फूड वी ईट इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच, येस दिस इज ट्रू। वाई इज फूड इम्पॉर्टेंट फॉर अस आर वाई डू वी नीड फूड। अलग अलग बुक्स में क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया रहता है, बट इनका आंसर सेम होगा। हमारे लिए फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है या फूड की हमें नीड क्यों होती है, आंसर इज वी नीड फूड। वी नीड फूड एज इट हेल्प अस, एज इट हेल्प अस टू लिव एंड ग्रो, टू लिव एंड ग्रो, GROW ग्रो। हमें भोजन क्यों आवश्यक है, हमें लिव एंड ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मील्स डू यू हैव इन अ डे। दिन भर में हम कितने मील्स होते हैं, 3 meals। आंसर इज 3 meals। नेम इट। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। आप बच्चों को बताइए, दोपहर में हम लंच करते हैं, वी टेक लंच इन आफ्टरनून। एंड नेक्स्ट डिनर, डिनर हम नाइट में करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड वाटर। हमें वाटर की नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, वी नीड वाटर टू, वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट द फूड। DIGEST डाइजेस्ट द फूड। वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हमें वाटर की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट 3 good habits। डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर ईट, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट
ईट स्लोली, ईट स्लोली, एंड थर्ड च्यू योर फूड वेल, च्यू योर फूड वेल विथ माउथ क्लोज्ड, विथ माउथ क्लोज्ड, हमें चबा कर खाना चाहिए और अपने मुंह को बंद करके. दीज आर थ्री गुड हैबिट्स. व्हाट डज नॉन वेजिटेरियन ईट? नॉन वेजिटेरियन क्या खाते हैं? नॉन वेजिटेरियन ईट, नॉन वेजिटेरियन ईट फिश, चिकन, फिश FISH, फिश, चिकन, मीट एंड एग्स. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग्स. डिनर हम कब करते हैं? इन द नाइट. मीट एग्स हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से. फूड से हमें क्या मिलता है? गिव्स अस एनर्जी. पल्सेस हमें किन से मिलता है? पल्सेस जो दाल होती हैं, प्लांट्स से. ईट स्लोली इज गुड हैबिट. नेक्स्ट आंसर इन वन वर्ड. यहाँ पे आपको सारे आंसर वन वर्ड में देना है. आप किड्स को सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कीजिए. नेम वन सीड्स फ्रूट. ऐसे एक फ्रूट्स का नाम बोलिए जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. पपाया. नेम वन मिल्क प्रोडक्ट. चीज. द मील वी ईट इन द मॉर्निंग, जो हम मॉर्निंग में मील लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट वी गेट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम. हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स कहाँ से मिलता है? प्लांट्स. आंसर इज प्लांट्स. फूड वी ईट इन ब्रेकफास्ट. हम कौन सा फूड ब्रेकफास्ट में लेते हैं? टोस्ट और ब्रेड. इस वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चों की चैप्टर को अच्छी तरह से उनका प्रिपरेशन करवा सकते हैं. अगर ये वर्कशीट आपके किड्स के लिए हेल्पफुल है उनके चैप्टर प्रिपरेशन में, एग्जाम प्रिपरेशन में, प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.